तो मेरे भाई लोग, मैं पहुंच गया हूँ रीजियन टॉप 77 पे। और गाइस, आप लोग बहुत सारे बंदे पूछते हो कि सुदीप भाई हम लोग को भी भाई टिप्स एंड ट्रिक्स दो, बहुत दिनों से मैंने नहीं दिया। तो गाइस, आप लोग को मैं लाइव में खेल के दिखाऊंगा, वो भी रैंडम बंदों के साथ गाइस, कि कैसे हर एक गेम बुरा करता है। तो गाइस, पहली बात होता है आप लोग का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो मेरे भाई, मैं हूँ रशर। देखो गाइस, ऐसा नहीं कि मैं जो कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोग को भी यूज करना चाहिए। आप लोग अगर ग्रेनेडर हो तो उसके लिए अलग सा स्किल होता है। मैं हूँ रशर, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये स्किल बहुत मायने रखता है गाइस। आपको इसलिए लगाता हूँ ताकि फटाफट गाइस मैं एकदम रश करके बंदे मार लूँ। और मेन चीज़ जो होता है गाइस, वो होता है टीम कोऑर्डिनेशन। तो मेरे भाई देखो गाइस, मैं रैंडम बंदों के साथ, देखो भाई टॉप 77 में हूँ, इसी बात पे एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब देखते गाइस बुया होता है कि नहीं होता, वो तो चलो आगे जाके वीडियो में देखने के लिए मिल ही जाएगा। और हमारे साथ आज खेलने वाले खूनी भाई, देखो गाइस टीम का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बाकी गाइस, आप लोग सीएस का स्टार कितना है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो खूनी रेडी है ना? चलो भाई, अभी देखते कैसे बंदे आते हैं रैंडम मैच में। देखो गाइस, जो होगा आप लोग के सामने ही होगा। माइनस खाएंगे तो भी ठीक, प्लस करेंगे तो भी ठीक। जिधर हम लोग मिस्टेक करेंगे तो आप लोग को बता देंगे कि इधर इधर मिस्टेक हो गया है। तो मेरे साथ एक बंदा हमेशा, देखो गाइस रैंडम मैच में आप मेरे को भी पता नहीं कैसे बंदे आएंगे, मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, इसलिए मैंने उन्हीं को बुला लिया। कम से कम एक बंदा तो होना ही चाहिए भाई टीम में जो कि भाई आप लोग का बात सुने। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर कैसीनो, ये तो भाई नाम ही कुछ अजीब सा है। सुदीप सर का लाइक कौन 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 है भाई? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। नहीं मेरे भाई, स्किल तो देखो तुम लोग का। अरे भाई, झारी कोई काम का नहीं है मेरे भाई, झारी में ओमी पड़ जाता है वैसे तो। अरे माइक ऑफ कर ले कैसीनो भाई। गाइस हम लोग आ चुके हैं। देखो गाइस क्या होता है, ये देखो ये झाड़ी बन गया ना गाइस। अब देखो झाड़ी एक ही गोली में फूट जाता है, तो ये झाड़ी कोई काम का नहीं होता। और पहला राउंड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई लोग। तो पहला राउंड में M500 मैं यूज करता हूँ। तो मेरे भाई लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं M500 उठाया, ठीक है, क्योंकि मेरे को मारना आता है। तो आप लोग गाइस पहले राउंड में M500 मत उठाना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी पड़ता है कभी कभी नहीं पड़ता, इसलिए मैं बोला भाई M500। ये देखो गाइस, ये बंदा उठाए WSP। तो ऐसे WSP उठाओ और बॉडी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, दो बंदे मैंने लुढ़का दिए गाइस, और बाकी हमारे पूरा टीम में। देखो गाइस, पहली बात तो मैंने बोली दिया था कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अब देखते गाइस दो ही बंदे बचे, क्या लगता है भाई 1v2 कर पाऊंगा मैं? वो भी भाई 77 में हूँ मेरे भाई। देखते गाइस बंदे किधर है, लूट लेता हूँ। क्या साइट मिल गया भाई? देखो गाइस नेडर, अबे ओ भाई, अरे भाई लोग सारे बंदे भाई साहब। देखो गाइस, अब देखो मैंने 1v4 मार दिया। तो गाइस ऐसा नहीं होता कि आप लोग हमेशा 1v4 करो, हमेशा ऐसे सिचुएशन में ना थोड़ा सा काम रहो। और एक टीम में गाइस मैं आप लोग को बता दूं, एक ग्रेनेडर, आप लोग अगर सीएस पुश करते हो तो आप लोग के टीम में एक नेडर होना बहुत जरूरी है। मेरे भाई एक ओम प्लेयर और दो रशर, बस भाई इतना ही कर लोगे ना भाई, आप लोग का हर एक गेम बुआ होगा, समझ रहे हो गाइस? तो अभी देखते हैं गाइस, मैंने तो एस मार दिया क्या ही भाई गंदे तरीके से। अभी देखते हैं भाई लोग क्या होता है। देखो गाइस, हमेशा मैं कैसे खेलता हूँ, मैं आप लोग को मेरा स्ट्रैटेजी बता देता हूँ गाइस, ठीक है। मैं हमेशा एक रोटेशन लेता हूँ, और हर एक टीम में गाइस एक क्लू वाला होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या बंदे का सामने जितने भी बंदे उन लोग का लोकेशन रिवील हो जाए। मैं राइट साइड से इसलिए आता हूँ। ये देखो गाइस, हमेशा एक बंदा रोटेट करना मेरे पीछे पीछे। देखो गाइस, ये दोनों भी आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास VVAG है ना। ये देखो गाइस, लगता है ये लोग मेरे फैन है। हमेशा रोटेट करो, देखो रोटेशन जैसे ही लोगे ना, और हमेशा 2-2 के हिसाब से खेला करो। देखो भाई मैंने रोटेट किया और वो बंदा अकेला रह गया, समझ रहे हो ना भाई लोग? तो ऐसे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। तो अभी देखते भाई लोग, मेरे को रोटेशन लेना पड़ेगा। एनिमी को ऐसा कर दो ना ताकि एनिमी को पता ही ना चले, एकदम हमेशा होल्ड करके और कवर लेके खेला करो गाइस। मेरे को लग रहा है उस साइड ही सारे के सारे बंदे, मेरे को जाना पड़ेगा, रुक जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, एक बंदा लुढ़का दिया भाई ने। अब देखते गाइस क्या होता है, और एक बंदा कहाँ है? तो ये लोग के माइक से वो, देखो गाइस राइट में एक बंदा है, लेफ्ट में एक बंदा है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा राइट जाता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, हमेशा भाई अगर अच्छे बंदे आते हैं तो हमेशा जल्दबाजी मत करना, क्योंकि एक बंदा हमेशा भाई चार को मारने का वो रखता है भाई। हर एक बंदा सीएस में प्रो होता है, मैं पहले बता दूं। अब देखते, अरे यार फिर से मेरे को क्लच निकालना पड़ेगा। अब देखते गाइस क्या होता है, सामने ही बंदा है। तो ऐसे सिचुएशन में ना भाई अंधा रश नहीं करना, ठीक है ना, वो बंदे को भी थोड़ा पोजीशन का देख लेना। अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, एंटोनियो से क्या भाई मेरे को ज्यादा सा HP मिल जाता है। और ये देखो गाइस रश करके, उसको पता भी नहीं मैं कब आ गया, उसको हेड तो पड़ा। और ये देखो गाइस,
पूरा दिमाग लगा के खेलना तो हर एक गेम भी होगा लिटरली भाई। एक बार ओपी लगा देना चैट में, क्योंकि बात ऐसा है ब्रो 77 में मैं वो भी रैंडम बंदों के साथ खेल रहा हूँ। अभी बंदे लोग को भाई म्यूट इसलिए मारा क्योंकि वो लोग का जो वो होता है ना भाई, तो भाई मैंने ये लोग को म्यूट इसलिए मारा, ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे। तो भाई लोग हमेशा मैं तो देखो गाइस, हमेशा एक टीम में एक स्नाइपर प्लेयर रखना, एक रशर रखना, दो रशर रखना और एक फ्लैंक करने वाला रखना भाई। नेडर बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो जितना तुम लोग का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतना ही आप लोग हर एक गेम जीतोगे। जैसे कि मैं सामने जा रहा हूँ, एक बंदा मेरे को दिख गया और ये देखो गाइस इसको मैंने हेड मार दिया, ठीक है और सब क्या मार रहा हूँ। और दूसरा बंदा दिखा, दिखते गाइस क्या होता है, अंधा रश मत करना। देखो गाइस अभी क्या मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं हर एक को मार दूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा गाइस कोऑर्डिनेशन करके खेलना, दिखते गाइस क्या होता है। देखो गाइस मैंने देख लिया बंदे ऊपर है, वो 123 का हेड पड़ा है उसको। अरे एक बंदा ऊपर है, इसको भी नॉक है। अरे भाई साहब एक बंदा सामने, देखो 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 अभी ये मार खाएगा भाई। और कैसीनो ने मार दिया भाई, क्या मारा भाई कैसीनो ने सामने बंदे। और भाई लोग कितना ट्रिपल मारू भाई लोग। एक बार गाइस आप लोग बता देना मेरा गेम प्ले आप लोग को कैसा लगा। और लिटरली भाई रैंडम बंदों के साथ हम लोग खेल रहे हैं भाई साहब, जिसमें एक बार आप लोग अगर देखोगे तो मेरा अकेले के 10 किल हो चुके भाई, वो भी रैंडम बंदों के साथ। बताओ तो ऐसे गाइस आप लोग भी पुश करना, और अगर हैकर से कैसे बचना चाहते हो वो भी बता देना, मैं आप लोग को गाइज टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा ऐसे ही। तो आप लोग को जस्ट गाइज मैंने दिखाया कि रैंडम बंदों के साथ भाई कैसे खेला जाता है और थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दे ही दिया। अगर आप लोग को इसके ऊपर फुल डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो 5000 लाइक का टारगेट रखते हैं। आई होप गाइज आप लोग 5000 लाइक कंप्लीट कर ही दोगे। लिफ्ट से बंदे आ रहे हैं, लिफ्ट से चारों के चारों बंदे आ रहे हैं, एक को 62 का हेड। तो जैसे ही लिफ्ट से बंदे आ रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे आ जाना। देखो गाइज एक बंदा 3 नंबर जो है वो चारों के बीच में चला गया, वो 100% पिटेगा। क्या मतलब पिट भी गया, एक नौके एक राइट से आएगा मेरे को भी पता है। अरे बंदा बहुत गंदा मारा यार। तो गाइज इस अपने टीममेट को बोलना दिमित्री और थ्रीबा, देखो गाइस दिमित्री और थ्रीबा बहुत काम का होता है। जैसे ही आप लोग डाउन हो गए कोई एक बंदा दिमित्री और थ्रीबा लगा के आप लोग को बचा ही सकता है। अकेला बंदा ये देखो गाइस क्या ही तो हम लोगों ने बुया किया गाइस। एक बार सारे बंदे ओपी लगा देना, जिस हिसाब से हम लोगों ने रैंडम बंदों के साथ गाइस बुया किया है ओपी लगाना तो बनता है मेरे भाई।